नाज़रीन, तारीख के पन्नों में एक ऐसी बदसूरत औरत की कहानी भी लिखी जा चुकी है जिसे मरने के बाद अमन और चैन नसीब नहीं हुआ। 100 साल से ज्यादा अरसा तक इस औरत की लाश को दुनिया के सामने नुमाइश के तौर पर रखा गया। तकरीबन 150 सालों तक इसकी लाश के साथ ऐसा घिनौना काम किया गया जिसे तारीख कभी नहीं भूल सकती, और फिर 150 सालों के बाद जाकर इस औरत की लाश को कफन नसीब हुआ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत की कहानी बताएंगे जिन्हें दुनिया की सबसे बदसूरत औरत माना जाता है। ना सिर्फ बदसूरत बल्कि सबसे बदनसीब औरत भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि खुशी क्या होती है वो अपनी जिंदगी में कभी इन्होंने महसूस ही नहीं की होगी। जीते जी और मरने के बाद भी जूलिया पेस्ट्राना को कभी किसी ने इज्जत की नज़र से नहीं देखा। नाज़रीन, जूलिया पेस्ट्राना की कहानी के बारे में शायद ही आज से पहले आपने कभी सुना होगा। इस कहानी को सुनकर यकीनन आपका भी इंसानियत से यकीन उठ जाएगा। नाज़रीन, मेक्सिको के सिनोलोवा नाम के एक शहर में सन 1834 में जूलिया पेस्ट्राना की पैदाइश हुई थी। नाज़रीन, पैदाइश के वक्त से ही जूलिया को दो खतरनाक और लाइलाज बीमारियां थी। एक बीमारी थी हाइपरट्रिचोसिस लाइनोजिनोस, जिसकी वजह से जूलिया के पूरे जिस्म पर लंबे और काफी घने बाल थे, यहां तक कि उनका चेहरा भी बालों से ढका हुआ था। और दूसरी बीमारी थी जिंजिबल हाइपरप्लासिया, जिसकी वजह से उनके होंठ और मसूड़े काफी ज्यादा बड़े थे और बाहर निकले हुए थे। उनके दांत काफी टेढ़े मेढ़े थे। कोई जूलिया को बियर वुमेन कहता तो कोई एपी वुमेन कहता। नाज़रीन, कुछ वक्त गुजरने के बाद लोगों ने उन्हें अगलेस्ट वुमेन ऑन द प्लेनेट का दर्जा देना भी शुरू कर दिया। नाज़रीन, जूलिया के बचपन के बारे में मालूमात बहुत ही कम है। कोई कहता कि जूलिया के वालदैन ने उन्हें मरने के लिए एक जंगल में छोड़ दिया था, तो कुछ लोगों का कहना है कि उनके चाचा ने उन्हें एक सर्कस वाले को बेच दिया था। लेकिन नाज़रीन, जिस बात पर सबसे ज्यादा यकीन किया जाता है वो ये कि जूलिया का बचपन अनाथ खाने में ज्यादा गुजरा है, और जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो मेक्सिको के गवर्नर ने उन्हें अपने घर पर काम करने के लिए रख लिया। गवर्नर के घर रहकर जूलिया ने काफी कुछ सीखा। उन्होंने सिंगिंग और डांसिंग भी सीखी, साथ में उन्होंने कई जबानों पर महारत भी हासिल कर ली। स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच जैसी जबानें जूलिया सीख चुकी थी। नाज़रीन, जब जूलिया थोड़ी और बड़ी हुई तो उसे लगा कि उसे वापस अपने ट्राइब के लोगों के पास चले जाना चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल था कि क्या उनके अपने ही लोग उन्हें कबूल कर पाएंगे या उसे वो मार देंगे। नाज़रीन, जूलिया का बचपन से ही लोग मजाक बनाया करते थे। वो जहाँ भी जाती थी लोग उन्हें घूर घूर कर देखा करते थे। इतने बालों वाली औरत लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। नाज़रीन, 1854 को जूलिया को किसी ने सलाह दी कि वो अपनी इस फिजिकल खूबी का फायदा उठाते हुए इसकी नुमाइश करे और सर्कस ज्वाइन कर ले। नाज़रीन, जूलिया को अपने ट्राइब में वापस जाने से बेहतर ऑप्शन यही लगता है। जूलिया ने एक अमेरिकन सर्कस ज्वाइन कर ली। दिसंबर 1854 को ब्रॉडवे के गोथिक हॉल म्यूजियम में पहली बार जूलिया को पेश किया गया। उन्हें देखने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लग चुकी थीं। उन्हें एक एपी वोमन कहकर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और नाज़रीन, साथ ही सर्कस के कुछ लोगों ने जूलिया के बारे में अफवाह फैला दी थी कि उनकी माँ ने एक बंदर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए थे, जिसकी वजह से जूलिया का रंग रूप बंदरों जैसा लगता है। ये बात लोगों के बीच फैलना शुरू हो गई। लोग जूलिया का डांस या उनके सिंगिंग देखने नहीं आते थे, बल्कि उनकी अजीब शक्ल को देखने के लिए यहाँ आते थे। नाज़रीन, सर्कस की टिकट काफी महंगे दामों बिकने लगी। असल में नाज़रीन, ये वो दौर था जब दुनिया में अजीबोगरीब दिखने वाले लोगों को एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश किया जाता था और उनके जरिए कमाई भी की जाती थी। नाज़रीन, सर्कस में काम करने के दौरान जूलिया की उनके मैनेजर थियोडोर लैंड के साथ अच्छी बातचीत हो गई। थियोडोर लैंड एक बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। उसने जूलिया से प्यार का बहाना करके शादी भी कर ली, लेकिन असल में थियोडोर ने शादी इसलिए की थी जिससे उसे जूलिया को पैसे ना देने पड़े और पूरा प्रॉफिट उसके ही हिस्से में आ जाए। अब पूरे मेक्सिको में जूलिया काफी पॉपुलर भी हो चुकी थी। सन 1860 में जब जूलिया सिर्फ 26 साल की थी, तब एक बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो भी बिल्कुल अपनी माँ जैसा ही था, लेकिन वो बच्चा भी ज्यादा अरसा तक जी नहीं सका और कुछ ही दिनों में बच्चे की भी मौत हो गई। मरने के बाद नाज़रीन, लोगों को दफन किया जाता है और कुछ लोगों को उनके रीति रिवाज के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात की जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, जूलिया का हस्बैंड थियोडोर लैंड इतना घटिया आदमी था कि उसने जूलिया के और बच्चे की लाश को एक मैक्सिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सोकोलो को दे दिया। डॉक्टर ने जूलिया की लाश को टैक्सीडर माइक की मदद से एक मम्मीफाई किया और लाश के ऊपर कई तरह के केमिकल्स का लेप करके उसको हनूत कर दिया। नाज़रीन, कुछ अच्छे के बाद जूलिया के हस्बैंड ने डॉक्टर से वही बॉडी वापस ली
और उस बॉडी को लंदन में ले आया। लंदन में उसने जूलिया और उसके बच्चे की बॉडी को कांच के एक बॉक्स में रख दिया और लोगों के सामने पेश कर दिया, यानी अपनी बीवी की लाश से भी कमाई करने का मौका उसने हाथ से नहीं जाने दिया। इसी दौरान लैंड की मुलाकात एक और उसी तरह की औरत से होती है जो दिखने में काफी हद तक जूलिया जैसी ही नजर आती है। लैंड उस औरत से भी शादी कर लेता है और उसका नाम जेंड्रो परशाना रख देता है। लैंड कहता है कि ये जूलिया की बहन है और ना दिन जब वो स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रही होती थी तो उसके पीछे जूलिया और उसके बच्चे की लाश शीशे के बॉक्स में रखी हुई होती थी। ना दिन कुछ अरसे के बाद जूलिया के हस्बैंड लैंड की मौत वाके हो जाती है और जोनो पस्ट्राना, जिसका असली नाम मैरी ब्रेटन था, उसने जूलिया की बॉडी को नॉर्वे के एक शख्स को बेच दी। ना दिन नॉर्वे के ओस्मो शहर में जूलिया की बॉडी को चैम्बर ऑफ हॉरर में रखा गया, यानी उनकी बॉडी का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जाता था। इसके बाद स्वीडन में भी जूलिया की बॉडी को नुमाइश के तौर पर रखा गया। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन ना दिन 1973 में कई यूरोपीय मुल्कों में किसी भी इंसान की बॉडी की नुमाइश करके पैसा कमाने के धंधे पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद जूलिया और उसके बच्चे की बॉडी को ओस्लो के शहर में एक स्टोर रूम में रख दिया गया। एक दिन कुछ शरारती बच्चे उस स्टोर रूम में चले आए और उन्होंने जूलिया की बॉडी से उसका हाथ अलग कर दिया और उसके बच्चे को वहाँ से उठाकर बाहर खुले मैदान में फेंक दिया। बच्चे की बॉडी को तो चूहे खा गए। ना दिन सन 1989 में जूलिया की बॉडी स्टोर रूम से चोरी हो गई। ना दिन उनकी बॉडी को किसने और क्यों चोरी किया ये बात आज तक पता नहीं चल पाई। इसके बाद सन 1990 में, यानी बॉडी चोरी होने के 11 साल बाद, जूलिया की बॉडी ओस्लो इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन के स्टोर हाउस में बरामद की गई। कई सालों तक इंस्टीट्यूट और डॉक्टर जूलिया की बॉडी पर रिसर्च करते रहे। ना दिन सन 1905 में लॉरा एंडसन बारबेटा नाम की एक औरत को इसके बारे में पता चला। वो खुशकिस्मती से मैक्सिको की रहने वाली होती है। नाजिन ये औरत ओस्लो यूनिवर्सिटी में एक आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही होती है। जब वो जूलिया के बारे में सुनती है तो दंग रह जाती है। वो ठान लेती है कि जूलिया की आखिरी रसूमात पूरे इज्जत और एहतराम के साथ की जाएंगी। नाजिन ये औरत ओस्लो यूनिवर्सिटी में एक पिटीशन दायर करती है कि जूलिया की बॉडी वापस मैक्सिको को लुटा दी जाए, लेकिन पहले तो यूनिवर्सिटी इसके लिए साफ इनकार कर देती है। इसके बाद लॉरा एंडसन नेशनल कम्युनिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ रिसर्च ऑफ ह्यूमन राइट्स की मदद लेती है और जूलिया की बॉडी को वापस मेक्सिको लाने में कामयाब हो जाती है। नाजिन इसके लिए जूलिया को कई सालों तक इंतजार करना पड़ा। साल 2013 में मेक्सिको के सिनालोवा शहर में पूरे इज्जत और एहतराम के साथ जूलिया को दफनाया गया। उन्हें सफेद ताबूत में सफेद फूलों के साथ आखिरी रसूमात के लिए तैयार किया जाता है। नाजिन जूलिया पेस्टानो को दफनाते वक्त शहर के गवर्नर से लेकर फादर तक हर कोई उन्हें आखिरी सलाम करता है। नाजिन जूलिया की लाइफ के ऊपर द आई ऑफ द बिहोल्डर जूलिया पेस्टानाज लॉन्ग जर्नी होम के नाम की एक किताब भी लिखी जा चुकी है। नाजिन सन 1998 में द ट्रू हिस्ट्री ऑफ द ट्रेजिक लाइफ एंड ट्रम्पेंट डेथ ऑफ जूलिया पेस्टाना द अगलीस्ट वोमेन इन द वर्ल्ड नाम का एक स्टेज प्ले भी उनकी जिंदगी पर बनाया गया। और नाजिन इस तरह अपनी पैदाइश से 189 साल बाद पहली बार साल 2013 में जूलिया को वो इज्जत और एहतराम मिला जिसकी वो असली हकदार थी। नाजिन जूलिया के साथ लोगों ने किस तरह का बर्ताव किया वो बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और नाजिन इस वाके में जूलिया का कसूर सिर्फ इतना है कि वो कुछ अजीबोगरीब और खतरनाक बीमारियों के साथ पैदा हुई। नाजिन ये थी जूलिया पेस्टाना की दर्द भरी कहानी। नाजिन आपको क्या लगता है कि जूलिया पेस्टाना को इतना इज्जत और एहतराम मिलना चाहिए था या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने ख्याल का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगेबान।